हे दोस्तों, आप देख रहे हैं टेजी यूट्यूब चैनल और आज हम करने वाले हैं होनर के दो स्मार्टफोन का कंपेयर, जिसमें एक का नाम है होनर 8X और सेकंड का नाम है होनर प्ले। ये दोनों फ़ोन आपको अमेजन पर अवेलेबल हैं। दोनों की प्राइस रेंज 15,000 से 18,000 के बीच में मिलेगी। जानेंगे हम होनर प्ले ज़्यादा बेस्ट है या होनर का 8X। अगर बात करें होनर प्ले की, तो ये फ़ोन आपको मिलेगा अमेजन पर 17,999 में 4GB 64GB वेरियंट वाला, जिसमें मेटल डिजाइन बॉडी होगा आपको। सेकंड बात करें होनर 8X की, वो मिलेगा आपको 14,999 में 4GB 64GB वेरिएंट, ये भी आपको अमेजन में मिलेगा ग्लास फिनिश के साथ। करेंगे दोनों फोनों का कंपेयर डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस और प्राइस कैटेगरी में। साथ में जानेंगे दोनों फोनों में से कौन सा फोन ज़्यादा बेस्ट है। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए, लास्ट तक देखिएगा, कीजिए कोई चैनल को सब्सक्राइब, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को और कंपेयर करते हैं पहली कैटेगरी में, जिसका नाम है डिज़ाइन कैटेगरी। डिज़ाइन कैटेगरी की बात आती है तो होनर प्ले में हमें मिलता है नॉच डिज़ाइन डिस्प्ले। अगर बात करें इसके फ्रेमिंग और बैक डिज़ाइन की, तो यहाँ पर हमें मिलता है मेटल का डिज़ाइन और यहाँ पर आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है। साथ में मिलते हैं LED फ्लैश, यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट मिलता है, रिंगर फोन का नीचे की तरफ दिया गया है, साथ में दिया गया है 3.5mm का स्लॉट। अगर बात करें फोन के वेट और थिकनेस की, तो फोन का वेट मिलता है 176g का और फोन की थिकनेस मिलती है 7.5mm की। चलिए बात करते हैं होनर 8X के बारे में। तो होनर 8X के अंदर भी हमें नॉच डिज़ाइन डिस्प्ले मिलती है देखने को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो फ्रेमिंग है वो मेटल की है, मैंने पिछली वीडियो में गलत बता दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसमें बैक साइड में दिया हुआ है ग्लास डिज़ाइन। अगर बात करें फोन के रिंगर की, तो वो नीचे की तरफ दिया गया है, साथ में दिया गया है माइक्रो USB का पोर्ट। फोन का वेट है 176g का और फोन की थिकनेस है 7.8mm की। अगर आप इस फोन की नॉच डिस्प्ले को देखते हैं, तो ये होनर प्ले के कंपेयर में, जैसा कि मैं आपको सामने रख देता हूँ, थोड़ी सी कम है, जिससे ये फोन की डिस्प्ले कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। हालांकि दोनों फोनों को साथ में रखोगे तो साइज तो आपको सेम लगेगा, 6.3 है और वो 6.5 है, लेकिन यहाँ पर नॉच कम होने के कारण ये होनर 8X का साइज ज़्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि ये है 6.5 इंच की। अगर आप ग्लास डिज़ाइन को पसंद करते हैं तो आप होनर 8X को पसंद करोगे, अगर आप मेटल बॉडी को पसंद करते हैं तो आप होनर प्ले के साथ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी में, जो कि है डिस्प्ले कैटेगरी। डिस्प्ले कैटेगरी की बात आती है तो दोनों फोनों में यहाँ मिलती है फुल HD+ डिस्प्ले। अगर बात करें होनर प्ले की, तो यहाँ पर मिलती है 6.3 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले। एस्पेक्ट रेशियो 19:9:9 का है। नॉट डिज़ाइन डिस्प्ले मिलती है। और वहीं पर बात करें होनर 8X की, तो यहाँ पर भी हमें 6.5 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है IPS पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशियो भी सेम है। यहाँ पर नॉच डिज़ाइन डिस्प्ले जरूर है, लेकिन यहाँ पे नॉच थोड़ी कम है होनर प्ले के कंपैरिजन में। अगर हम इसका वाइड व्यूइंग एंगल देखते हैं, तो आप वॉलपेपर पर ध्यान ना दीजिए, यहाँ पे आइकन्स को देखिए, दोनों के आइकन्स सेम ही लगेंगे वाइड व्यूइंग एंगल पर भी। लेकिन अगर आप नॉच डिस्प्ले को देख पसंद करते हैं, तो मैं नैनो नॉच को पसंद करता हूँ, बड़ी नॉच को मैं पसंद नहीं करता। तो ये तो हुई डिस्प्ले की बात। अब बात आती है थर्ड कैटेगरी की, जो कि है कैमरा कैटेगरी। कैमरा कैटेगरी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं दोनों फोनों में ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं होनर प्ले के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है 16+2 मेगापिक्सल का। 16 मेगापिक्सल का जो रियर कैमरा सेटअप है वो है एपरेचर F2.2 का। फ्रंट कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल का, जिसका एपरेचर है F2.0 का। अगर बात करते हैं हम होनर 8X की, तो होनर 8X में यहाँ पर ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है 20+2 मेगापिक्सल का। जो 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसका एपरेचर है F1.8 का, मींस ये अच्छा है। अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसका एपरेचर है F2.0 का। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मेन फीचर की। तो होनर 8X 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लेकिन होनर प्ले 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है रियर कैमरा से। दोनों कैमरा फ्रंट से फुल HD की ही वीडियो कैप्चर करते हैं। कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपके सामने रख लेता हूं। आपको दोनों फ़ोनों में से किसका कैमरा ज़्यादा बेस्ट लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हालांकि दोनों फ़ोनों के कैमरा काफ़ी अच्छे लगे मुझे। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों फोन्स का नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि है परफॉर्मेंस कैटेगरी। परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात आती है तो दोनों फोनों की हम रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर को चेक करेंगे और साथ में जानेंगे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर को। हम जाएंगे फोन की सेटिंग में, यहाँ पर जाएंगे सिस्टम सेटिंग में, सिस्टम में जाएंगे अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में आप
Honor Play का आप देख सकते हो कि 970 प्रोसेसर यूज हुआ है, 4GB की रैम है और 64GB स्टोरेज है। इसका जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो अप्रोक्सीमेट 209,000 के आसपास जाता है। वहीं पर बात आती है Honor 8X की, तो यहाँ पर हम जाएंगे अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे किरण 710 प्रोसेसर का यूज हुआ है, 4GB रैम है और 64GB की स्टोरेज है। यहाँ पर जो Antutu बेंचमार्क का स्कोर जाता है वो जाता है 115,000 का। तो क्लियरली Honor Play विनिंग है इस कैटेगरी में। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, दोनों फोनों की प्राइसिंग के बारे में बात आती है। तो यहाँ पर Honor 8X सस्ता जरूर है। पहले बात करते हैं Honor Play की, तो वो मिलता है आपको 17,999 का अमेजन पर 4GB 64GB वाला वेरियंट, और Honor 8X मिलता है आपको 14,999 रुपये का 4GB 64GB वेरियंट। Honor 8X में आपको मिलता है माइक्रो USB स्लॉट, जबकि Honor Play के अंदर आपको मिलता है टाइप सी का स्लॉट। और इसके साथ साथ Honor Play में कुछ कमी भी है, तो इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, जबकि Honor 8X के अंदर आपको मिलता है ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट। लेकिन आपको एक बेनिफिट मिलता है Honor Play के अंदर कि उसमें बड़ा प्रोसेसर यूज हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टाइप सी का सपोर्ट भी मिलता है। इस करंट का प्राइस है 2,000 रुपये ज़्यादा कंपेयर टू Honor 8X। आप दोनों फोनों में से कौन सा फ़ोन प्रेफर करोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।